भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह बुधवार को अपनी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक की अर्जी मामले में पेश होने के लिए आरा सिविल कोर्ट स्थित फैमिली कोर्ट पहुंचे, जहां इस दौरान फैमिली कोर्ट की जज श्वेता सिंह के समक्ष पवन सिंह ने अपनी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक मामले में गवाही दी। कोर्ट रूम के अंदर करीब एक घंटे तक पवन सिंह ने अपने अधिवक्ता सुदामा सिंह के साथ अपना पक्ष रखा, जिसे जज ने नोट किया। पावर स्टार पवन सिंह तीसरी बार कोर्ट में पेश हुए हैं। वही माना ऐसा जा रहा था कि कोर्ट में आज तलाक की अर्जी मामले में फैसला भी हो सकता है, लेकिन पवन सिंह की गवाही के बाद कोर्ट ने उन्हें जाने की इजाजत दे दी। हालांकि आज कोर्ट में सिर्फ पवन सिंह की पेशी हुई, जबकि उनकी पत्नी ज्योति सिंह की गवाही अगली तारीख पर होने की बात कही जा रही है। इधर पवन सिंह के कोर्ट में पेशी होने की खबर जैसे ही उनके फैंस को मिली, पवन सिंह के फैन भारी संख्या में कोर्ट परिसर पहुंच गए, जिसके बाद सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों ने किसी तरह स्थिति को नियंत्रित करते हुए पवन सिंह को पेशी के बाद कोर्ट परिसर से रवाना किया। आपको बता दें कि भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक के मामले में गवाही के लिए कोर्ट के द्वारा 13 दिसंबर की तारीख तय की गई थी, जिसके बाद आज पवन सिंह कोर्ट पहुंचे थे। पिछली बार इस मामले में 28 अप्रैल और 26 मई फिर 27 सितंबर के बाद आज 13 दिसंबर को कोर्ट ने पवन सिंह को हाजिर होने के लिए आदेश दिया था, जहां आज दोपहर करीब 2:30 बजे पवन सिंह आरा सिविल कोर्ट स्थित फैमिली कोर्ट में पहुंचे। पवन सिंह के साथ कई उनके समर्थक मौजूद रहे, जबकि पवन सिंह की गवाही के दरमियान उनकी पत्नी ज्योति सिंह के वकील विष्णुधर पांडे भी कोर्ट रूम के अंदर मौजूद रहे। पवन सिंह को देखने के बाद कोर्ट में और बाहर काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई थी। फैमिली कोर्ट में घंटों गवाही के बाद निकले पवन सिंह से जब मीडिया कर्मियों ने तलाक मामले में जानने की कोशिश की, तो वह हर बार की तरह इस बार भी कैमरे के सामने हाथ जोड़कर चुप्पी साध निकल गए। पवन सिंह के वकील सुदामा सिंह ने बताया कि आज कोर्ट में गवाही थी, जहां हमारे पक्ष से तलाक के लिए दी गई अर्जी में पवन सिंह ने अपनी गवाही दी है। अब आगे उनकी पत्नी ज्योति सिंह की गवाही होनी है, इसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। कंपनसेशन और सेटलमेंट की बात पर पवन सिंह के अधिवक्ता सुदामा सिंह ने कहा कि अब यह मामला पुराना हो गया, अब सीधे गवाही के बाद फैसला सुनाया जाएगा। इधर ज्योति सिंह के वकील विष्णुधर पांडे का कहना है कि आज तलाक मामले में पवन सिंह की गवाही हुई, इसके बाद मेरे पक्ष यानी ज्योति सिंह अपना गवाही देंगी, जिसके बाद कोर्ट जो फैसला सुनाएगा वो मान्य होगा। पवन सिंह से सेटलमेंट की बात पर अधिवक्ता विष्णुधर पांडे ने कहा कि हमारी क्लाइंट ज्योति सिंह ने उस मामले को खारिज कर दिया, जिसकी वजह से काउंसलिंग की बात फेल हो गई। अब कोर्ट के हाथ में फैसला है कि जज के द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है। बता दें कि पवन सिंह ने ज्योति सिंह से दूसरी शादी की है। 2018 में यूपी के बलिया की रहने वाली ज्योति से उनकी शादी हुई थी। पहली पत्नी ने फांसी लगाकर जान दे दी थी। अभी ज्योति सिंह बीते कई महीने से अपने मायके में रह रही हैं। पवन सिंह अपने पैतृक गांव आरा के जोखरी से बारात लेकर आए थे। अब रिश्तों में खटास के बाद बात कोर्ट तक पहुंच गई है। आज इस मामले पर पवन सिंह की गवाही हुई है, इसके बाद ज्योति सिंह भी अपना गवाही देंगी और उसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। आज कोर्ट में पहुंच गया गवाही था, क्या सब हुआ है? गवाही हुआ है, अपने केस के मुकदमे के बारे में उन्होंने गवाही दिया है। अब अगला जो तिथि पड़ेगा वो अग्रतर कार्रवाई होगा, तो ट्रायल चल रहा है ना, इसमें तो गवाही पड़ता रहेगा, दोनों पक्ष गवाही देगा, लास्ट में दोनों तरफ से बहस होगा, निर्णय जो होगा होगा। पवन सिंह की तरफ से आखिरी गवाही, ये मैं आज कैसे कह सकता हूँ, हो सकता है मुझे और गवाह देना हो, इसका निर्णय तो मैं बाद में करूँगा। अभी तक चार गवाही। सर सेटलमेंट की बात क्या? सेटलमेंट तो खत्म हो गया है, सेटलमेंट अब कहाँ है, गवाही चल रहा है, चार गवाही हुई है, आगे भी गवाही देने की जो प्रोग्राम है उसके लिए हम लोग बैठ कर विचार करेंगे, इसके बाद निर्णय होगा। आप लोग का जैसे पवन सिंह का जो है जो आरोप था, तो क्या लगता है पवन सिंह का जो आरोप लगा है, तो पवन सिंह इस आरोप का अपना, ये तो न्यायालय डिसाइड करेगा, हम लोग तो उसको पक्ष में क्या बोले, हम लोग तो उसको, अब गवाही तो लंबा चौड़ा है, 1.5 घंटा गवाही हुआ, कितनी बात आपसे कहूँ, ये स्थिति कुछ नहीं। अपने मुकदमे के संबंध में उन्होंने सार्थक गवाही दिया है, बस हो गया। गवाही हुआ, क्या कहा गया पवन सिंह के द्वारा? पवन सिंह अपना गवाही दे, वो कहेंगे क्या, उसमें गवाही अपना दिए हैं, जो उनका केस था उससे हट कर गवाही दिए हैं, जो केस दाखिल किए थे उसके से हट कर गवाही दिए। आप लोग की जो डिमांड थी क्या लग रहा है कि उस, अभी डिमांड वाली बात कुछ भी नहीं है, स्टैंड क्या रहेगा आगे? अभी आज यही रहेगा, गवाही हो गया, हम लोग इसके बाद गवाही शुरू होगी। कब से गवाही शुरू होगी लड़के पक्ष? अभी तिथि पड़ेगी तब। आज फाइनल हो गया पवन सिंह का गवाही? पवन सिंह का।
तो जो ये आप केस फाइल किए थे उससे अलग हटकर क्या गवाही दी है कुछ बता सकते हैं? जो केस फाइल हुआ था, जो एलिगेशन लगाया गया था, तो गवाही ठोके जाता है, गवाही दिया जाता है वहाँ पर। उस गवाही में जो पहले केस फाइल किए थे उससे हट कर आरोप लगाकर उसी पर गवाही दी। तो क्या मतलब रहने वहने का मनसा जाहिर नहीं ना किए हैं साथ रहने का? रहने का मनसा तो नहीं, इस गवाही में रहने का मनसा क्या जाहिर करेंगे? जो जो एलिगेशन होगा उनके ऊपर उसको साबित, वो अपना पक्ष रखे हैं पवन सिंह जो आरोप लगा था ज्योति सिंह की तरफ से। उस पक्ष को अपना बोले,